माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्टैम्प तैयार कीजिए और बाद में उसी की कॉपी बना करके मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल कर लेंगे। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा और आप समझेंगे कि मैंने आपके लिए स्टैम्प बनाना इतना आसान कर दिया है जिससे आप कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी कलर में आप एक नया स्टैम्प तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सारे टूल्स आपको यहाँ पर दे दिए हैं, बस आपको अपना कंटेंट कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उसका कलर चेंज करेंगे और कलर चेंज करने के बाद में सिर्फ आप उसको ग्रुप करेंगे और आप एक नए कलर का स्टैम्प तैयार कर लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैम्प सील बनाना बहुत ही आसान काम होता है। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप इसे तैयार कर पाएंगे। स्क्वायर स्टैम्प सील तैयार करना इजी टास्क है। हम राउंड शेप में स्टैम्प सील तैयार करेंगे। इसके कुछ खास स्टेप हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको एक राउंड शेप लेना होगा। जब आप कोई भी शेप लेते हैं तो उस शेप को प्रॉपर साइज में रखने के लिए आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने एक सर्कल लिया और शिफ्ट बटन को होल्ड करके ये राउंड शेप में आएगा। अगर मैं इसको बिना शिफ्ट के बनाता हूँ तो ये ओवल हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। तो शिफ्ट से आप इसे प्योर राउंड बनाइए। इंटरनल इसका कलर जो है शेप फिल में जा करके नो फिल कर दीजिए। आउटलाइन को आप जिस भी कलर में रखना चाहते हैं, अगर ब्लू रखना है तो आप ब्लू का ही इस्तेमाल कर लीजिए। साइज इसका ऊपर राइट साइड में आपको साइज मिलता है। एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल स्टैम्प का साइज 1.25 होता है। मैं इसको 1.24 हाइट और सेम 1.24 विड्थ में रख रहा हूँ, ताकि अगर प्रिंटिंग थोड़ी कम ज़्यादा हुई तो उसके जो कॉर्नर है वो कटेंगे नहीं, एजेस कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर आप एक सर्कल तैयार कर चुके हैं, इसकी एक कॉपी बनाइए। कंट्रोल के साथ उठा करके रखिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दो सर्कल हो गए। जो ये इनर सर्कल है, इनर सर्कल की जो आउटलाइन है उसकी थिकनेस को आपको कम करना है। अभी जो मैंने लिया है उसको मैं 1% पर सेट कर देता हूँ या उससे कम कर देता हूँ, कम कर देते हैं, ठीक है। और साइज को पहले वाले के मुकाबले आप कम कर दीजिए। मैंने साइज यहाँ पर लिया 0.90, ताकि मेरा टेक्स्ट इसमें सेट हो जाए। हाइट के साथ में विड्थ भी बढ़ाना जरूरी है, 0.90 ये मैंने स्टैंडर्ड कर लिया। अब इसको बिल्कुल बीच में सेट करने के लिए कंट्रोल के साथ दूसरी शेप को क्लिक कीजिए। देखेंगे आप दोनों शेप सिलेक्टेड हैं। एक बार दोबारा, पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, दूसरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए और आप अब ड्राइंग टूल्स में ऊपर जाइएगा। यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। अलाइन में दो अलाइनमेंट आपको लेनी है, एक तो अलाइन सेंटर और अलाइन में अलाइन मिडल, ताकि ये दोनों प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो पाए। बीचों बीच आपका सर्कल जो है एडजस्ट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि सर्कल कहीं मूव ना हो तो आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रुपिंग बाद में करेंगे। पहले करने के लिए भी सिंपल सिलेक्टेड तो है, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देंगे। तो ग्रुप में जाकर के आपने इसकी ग्रुपिंग ऑप्शन क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो दोबारा से इसे सिलेक्ट करें, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे दोनों सिलेक्शन हो जाएंगे। कंट्रोल, ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट और कंट्रोल के साथ दूसरा, राइट क्लिक, तो आपका ग्रुप ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ग्रुप करने में परेशानी हो रही है तो इसका आसान सा सॉल्यूशन है। होम मेन्यू में सबसे आखिरी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वो है आपका सिलेक्ट का। सिलेक्ट में ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लीजिए और यहाँ से एक स्क्वायर बनाइए और ये आपका ऑब्जेक्ट, जितना भी इसके अंदर कंटेंट है वो सिलेक्ट हो गया। इसको हम ग्रुप कर देंगे राइट क्लिक करके। राइट क्लिक,
इसके एजेस के अंदर ही आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा, नहीं, ग्रुप पर जाएं, ग्रुप कर दीजिए। मैं इसको बाद में कर दूंगा एक साथ सभी को, या आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, कंट्रोल के साथ इसको साइड रख लेता हूँ ताकि भविष्य में कोई और बनाना हो तो मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। अब बारी आती है टेक्स्ट लेने की। टेक्स्ट लेने के लिए इंसर्ट मेन्यू से टेक्स्ट बॉक्स का चुनाव करें, अपना टेक्स्ट लिख लीजिए। टेक्स्ट जितना बड़ा लिखना चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। राजीव मिश्रा कंप्यूटर क्लास या यूट्यूब चैनल लिख देते हैं, ठीक है। और साथ में मैं चाहता हूं कि यहां पर ये कहे इसको कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब आर चैनल, एक बहुत बड़ा मैसेज दे देते हैं। जब भी आपको लगे कि आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपो करेक्शन, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज किया। अब वही शेप फिल में जाके नो कलर और आउटलाइन, नो आउटलाइन कर दीजिएगा। टेक्स्ट आपके पास तैयार है, आप इस टेक्स्ट की कॉपी बना करके रख सकते हैं। मैं इसका फॉन्ट फिलहाल थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, इम्पैक्ट फॉन्ट ले रहा हूँ। ये मेरा इम्पैक्ट फॉन्ट हो गया। अब इसको भी मैंने एक कॉपी बना के यहाँ साइड रख ली भविष्य के लिए ताकि यूज कर पाए इसको। अब आपने ऊपर ड्राइंग टूल्स पर जाकर के टेक्स्ट इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म लेके सर्कल ले लेना है, सर्कल ले लीजिएगा, घबराइएगा मत। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम कई बार कुछ साथियों को आएगी कि आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे रैप टेक्स्ट में जाकर के इन फ्रंट टेक्स्ट कर लेना। अगर आप कोई पुराना वर्जन चला रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख लीजिएगा। थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ से आप इसके सर्कल को, उसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा आपने कम करना है और ऊपर से नीचे की तरफ इसको एडजस्ट करना है। ये लिया मैंने, यहां से लेफ्ट से लेने के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला पॉइंटर सर्कल के लिए होता है, तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ये लिया मैंने, ये मेरा राउंड शेप हुआ। और अब मैं इसको चारों एंगल से एडजस्ट कर दूंगा साइज को, जितना मुझे इसको वाइडर करना है, ठीक है। एक एंगल हो गया मेरा एडजस्ट, यहां छोड़ देता हूं मैं, थोड़ा बारीकी का काम है। परफेक्शन नीड्स टाइम एंड हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप अच्छा स्टैम्प प्रोफेशनल बना लेंगे, आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, बनेगा जरूर। थोड़ा नीचे से यहां, ठीक है, आपका ये ऑब्जेक्ट यहां पर इस तरीके से तैयार हो गया। और आपको लगता है कि नहीं, इसको मुझे थोड़ा सा लेफ्ट राइट करना है, तो अपने एरो की मदद से आप इसको लेफ्ट राइट कर देना। इसको रोटेट कर देते हैं ताकि ये ऊपर से नीचे की तरफ रहे, ठीक है। जितने एंगल पर आपको रोटेट करना है आप रोटेट कर लीजिए। मैं आपको सभी तरीके के स्टैम्प बताऊंगा जिसमें टेक्स्ट कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, ये हमारे क्लाइंट में पूरा दिया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ तक एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया तो इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे इसको और एडजस्ट करना है, तो एरो की मदद से थोड़ा सा आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। यहाँ डन, ठीक है, यहाँ हमने इसको एडजस्टमेंट बना दी है। और रोटेट करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इतने रोटेशन पर मेरा काम हो रहा है जैसा भी है। तो एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट आपके पास तैयार हो गई, क्योंकि मैंने फॉन्ट इसका इम्पैक्ट रखा है डार्क करने के लिए, आप नॉर्मल फॉन्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एरियल दे दिया फॉर एग्जाम्पल, ये एरियल फॉन्ट है, बोल्ड कर लीजिएगा आप उसको, वो बोल्ड करके फिर एडजस्टमेंट बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए मैं इम्पैक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरा टेक्स्ट तैयार हुआ, मैं इस टेक्स्ट की एक कॉपी बना रहा हूँ ताकि मैं भविष्य में इसको इस्तेमाल कर पाऊँ,
मैं बार 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 टाइप नहीं करूँगा, डिज़ाइन नहीं बनाऊँगा, मैं सिर्फ इसकी एक कॉपी एडजस्ट करूँगा। तो मुझे कॉपी बनानी है, मैंने कंट्रोल के साथ इसको उठाया और राइट साइड में रख दिया। ठीक है, भविष्य में कोई भी क्लाइंट आएगा, मुझे सिर्फ उसके कंटेंट को तैयार करना है और एडजस्ट बना देना है इसमें। यहाँ सर्कल पे क्योंकि मैं इसे ग्रुप करूँगा, इसलिए मैं इसको एडिट करने में परेशानी पाऊँगा, इसलिए जानबूझ करके मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ ताकि हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर पाएँ। अच्छा, आप कोई और शेप आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जा करके, जैसे मैंने लिया है वैसे आप कोई शेप, यहाँ स्टार ले लीजिए, स्टार आपको नीचे रखना है, मैंने वहाँ डॉट रखा है, आप स्टार रख सकते हैं। शिफ्ट के साथ में बनाएंगे तो प्योर बन जाएगा। यहाँ थोड़ा राइट रखते हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इस सर्कल में लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान रखिएगा, जो ये राइट साइड का पॉइंट है ये वाला, इससे सर्कल ना एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे भी आपको एडजस्टमेंट बनानी हो तो वो एडजस्टमेंट किया जाएगा। आप इसको देखना ध्यान से कि ये ब्लैक कलर का एक खास तरीके का सर्कल तैयार करता है, देखिए। और जितना फैलाते जाएंगे इसको, मूव करते जाएंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कि आपको प्योर राउंड नहीं रखना है, आपको आर्क रखना है, कर्व की तरह रखना है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इनर सर्कल के लिए भी मैंने सेम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लिया। या तो मैं राउंड में रखूंगा टेक्स्ट को अंदर, या सिंपल प्लेन टेक्स्ट को ही बीच में रख लूंगा। तो मेरे पास कॉपी पड़ी है, मैं इस कॉपी का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन। शिफ्ट के साथ एंटर कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ एंटर करने से मेरे को स्पेस कम मिला इसके अंदर, नहीं तो मुझे दिक्कत होती, गैप ज़्यादा हो जाता। ये हमारा कंप्यूटर एजुकेशन वर्ड जो है बीच में एडजस्ट हो गया। कलर, जो भी कलर आपको फिल करना है वो कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लेना है तो आप ब्लू ले लीजिएगा, टेक्स्ट का कलर कंट्रोल ए, और अपने कलर पे जा करके ब्लू, जो भी ब्लू कलर हो, जितना डार्क लेना हो या जो भी कलर आपने एडजस्ट सोचा है वो ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एक तरीके का स्टैम्प तैयार हो गया। कम ज़्यादा करना, उसको चीज़ें ऐड करना, वो आपके हाथ में होता है। अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। तो ग्रुप करने के लिए सेलेक्ट में लास्ट ऑप्शन होम मेन्यू, आप देख पा रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने इसको स्क्वायर बनाया और यहाँ कॉर्नर पर राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर दिया। ये हमने ग्रुप ऑप्शन ले लिया है, ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप हो गया। और इसको उठा करके हमने, एक मिनट, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो अपर जो बाउंड्री है उसको लेना। ठीक है, अभी इसने इसका ग्रुपिंग प्रॉपर नहीं किया तो मुझे दोबारा से इसको फुल ग्रुप करना है। तो इस बार मुझे थोड़ा बड़ा सा बॉक्स लेना पड़ेगा क्योंकि उसने इसको एडजस्ट नहीं किया। आप सारे हो गए, अब राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं। जी हाँ, छूट गया था इसलिए हाईलाइट हो रहा है। अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब इसमें शेप एडजस्ट करना, डिज़ाइन एडजस्ट करना, ये आपके हाथ में है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कर्व करना, फुल कर्व करना, वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये हमने सर्कल तो ऑलरेडी रखे हुए हैं, कंट्रोल के साथ उठाएं और इसकी एक कॉपी बना लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। और अब जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे पास तैयार था। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में क्योंकि हाफ कर्व बनाना है तो टेक्स्ट की जो मैटर है उसको राजीव मिश्रा यूट्यूब, टी को कैपिटल कर देता हूँ ताकि ये ठीक चले, ट्यूब चैनल इतना लिखा मैंने, मुझे यही टेक्स्ट चाहिए। तो इस टेक्स्ट को लिया और अब आपने ऊपर ड्राइंग टूल्स में जाकर के टेक्स्ट इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म लेकर के इसको आर्क अप ले लेना है, ये हो गया। और इसकी विड्थ को, बॉक्स की विड्थ को एडजस्ट कर लेना है जितना आपको सर्कल के अकॉर्डिंग चाहिए, वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अप डाउन में एडजस्ट कर लेना, ये लिया मैंने।
मुझे लगता है कि यहाँ से ये थोड़ा एडजस्ट होगा, ठीक है। तो जितना भी आपको एडजस्टमेंट बनाना है वो आप उसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ भी कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये यहाँ से मैंने इसकी विड्थ को लिया और इसको राइट साइड में थोड़ा सा और बढ़ाया इतना, ठीक है। और लेफ्ट के लिए मुझे नीचे बॉटम पे आना पड़ेगा। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, इस पॉइंट की मदद से आप इसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो अप और डाउन आराम से किया जा सकता है। जैसे मैंने अप साइड में इस तरीके सर्कल लिया, ये मेरा टेक्स्ट ऐसे एडजस्ट होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि आपको किस एंगल पर इसको एडजस्ट कराना है। थोड़ा परसेंटेज कम ज़्यादा करेंगे तो ये काम करने लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कम ज़्यादा ये करेगा, प्योर राउंड, प्योर राउंड के अकॉर्डिंग कर जाएगा। जैसे हमने पहले किया था, मुझे हाफ करना है तो मैं हाफ के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये बैलेंस मैंने बनाया इसको। और इसके बाद में फॉन्ट आप नॉर्मल कर देना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो उसका फॉन्ट इम्पैक्ट से हटा करके नॉर्मल पे रख देना, ठीक है। वरना प्रिंट के लिए तो हम स्टैम्प डार्क ले लेते हैं। ये लिया, अब इसी का दूसरा ऑब्जेक्ट कंट्रोल के साथ कॉपी कर लीजिए और उसको आर्क अप कर दीजिए, या तो पॉइंटर से नहीं तो टेक्स्ट इफेक्ट में जा कर के ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आप इसको ले लीजिएगा, इससे एडजस्टमेंट बना लीजिएगा और टेक्स्ट को हम कम ज़्यादा जितना भी हमें करना है वो कम ज़्यादा करके फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करेंगे। और ये प्रॉपर डॉट्स वगैरह लगाए जाएंगे इसमें, जैसे स्टार बनाया जाएगा। आपको लगता है कि स्पेस देने की आवश्यकता है ज़्यादा, तो आप स्पेस भी यहाँ पर ऐड कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल वो ब्लू कलर का ग्रामेटिकल एरो का मार्क देगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट करते वक्त ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। और भी कोई कंटेंट जो आपको बीच में रखना है वो बीच में ले लीजिएगा। ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बनाए हुए थे, हम उस टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, ठीक। तो इसका इस्तेमाल करना। फॉन्ट का जो साइज़ है, अगर आपको स्टैंडर्ड रखना है, 10 का फॉन्ट रखना है, 11 का फॉन्ट रखना है, तो आप यहाँ से रख देना, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। क्योंकि उसका साइज आपने आर्क की मदद से कम किया है, इसकी वजह से वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है। आप उसको बड़ा करेंगे तो वो थोड़ा सा और खुल करके फैल करके आएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो ये बढ़ता जाएगा, जितना भी आपको बढ़ाना हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से वो फैलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस वाले के लिए इतना काफ़ी रहेगा यहाँ पर, और बीच का कंटेंट आप बाद में ऐड कर लेना, टेक्स्ट का साइज़ कम ज़्यादा आप कर देना और उसके बाद में काम बन जाएगा। इसकी एक कॉपी मैंने नहीं बना रखी है, कॉपी बनाने से टाइम बचेगा, भविष्य में किसी और स्टैम्प में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये लिया मैंने, ओके। टेक्स्ट में थोड़ा सा गड़बड़, कंट्रोल जेड, दूसरे टेक्स्ट पर क्लिक करके हमने गलती से उसे बना दिया है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं एक बार, उसको सही कर देते हैं, जो हमारी गड़बड़ है उसको ठीक कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलेगा। ये जो हमारा टेक्स्ट था इसको हमें करना था चेंज, यहाँ पर हमने इसको दिल्ली ब्रांच ये लिया, और टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करके सेंट्रल लाइन कर सकते हैं आप इसको। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको एडजस्ट आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जहाँ भी आप चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये लिया मैंने इस बॉक्स को, यहाँ से बनाएंगे और कंट्रोल ई कर देते हैं सेंट्रल लाइन के लिए। पूरे टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके कंट्रोल ई कर देना आप, यहाँ से। और ये जो हमारा डेली ब्रांच है उसका टेक्स्ट बॉक्स पकड़ में आना चाहिए आपके, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि पहले मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर पाऊँ। ये अभी भी नहीं हो रहा, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं,
अब डेली ब्रांच को आपने यूज कर लेना है, तो इसी तरीके से कंट्रोल ए कंट्रोल ई सेंटर अलाइन, यहां रहा, ऊपर का टेक्स्ट वापस अपनी जगह पर एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस एंगल पर जितना भी आपको रखना है उसको कर्व कर लेना, वो मैंने आपको बताया कैसे कर्व होगा कैसे अलाइन होगा बोलेंगे, और यहां से इसे भी आप अपनी जगह पर एडजस्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि यहां टेक्स्ट सेम है, इस टेक्स्ट को आप कम कर लेना, सिंस 2010 फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टेक्स्ट चाहिए तो मैं इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा और फिर बाद में इसका जो शेप साइज है वो एडजस्ट कर दूंगा। ये रहा, जितना इसको बढ़ाना हो और जिस एंगल पर इसको रोटेट करना हो उस एंगल पर आप रोटेट कर देना, साथ में स्टार और डॉट आप लगा लीजिएगा। ऊपर करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्लाइंट के टेक्स्ट के ऊपर है कि वो कितना टेक्स्ट आपको दे रहे हैं स्टैम्प के लिए, और उसको राइट करके अलाइन कर देना, ठीक है। तो रोटेट कर लेते हैं और एंगल पर थोड़ा सा, इतना ठीक है। यहां पर इसको इस तरीके से तैयार कर दिया गया। तो सभी तरीके के स्टैम्प आप इजीली तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, थोड़ा टाइम लगाइएगा और फिर आप देखेंगे एक परफेक्ट स्टैम्प आप इजीली तैयार कर पा रहे हैं जिस भी कलर में आप बनाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।